श्री गणेश गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष कालू राम शर्मा से न्यूज 21 की टीम ने खास मुलाकात की। उन्होंने गौशाला की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा पर बात की। कालू राम शर्मा ने बताया कि 2013 में गौशाला की सेवा में जुटे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने गौशाला में कई सुधार भी किए। अध्यक्ष कालू राम शर्मा ने बताया कि गौशाला में परिवार का अच्छा सहयोग मिलता है। साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान सरकार से एक महत्वपूर्ण मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को छोटे गौवंश के लिए 50 रुपए और बड़े गौवंश के लिए 100 रुपए का अनुदान देना चाहिए, ताकि गौवंश की देखभाल अच्छे तरीके से की जा सके। कांग्रेस सरकार के दौरान मिल रहे 9 महीने के अनुदान का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार ने ये मांग की कि इस बार अनुदान की अवधि 12 महीने की जाए, ताकि गौशाला में गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था भी आसानी से की जा सके। आपको बता दें कि गौशाला में डॉक्टर की सुविधा का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि गौवंश के इलाज के लिए यहाँ बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गांव की जनता से गौशाला के सचिव हरिराम जी के साथ संस्था के विकास कार्यों पर विशेष चर्चा की। देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार राजस्थान की प्रत्येक गौशालाओं के अंदर, संस्थाओं के अंदर और नागौर की गौशालाओं के अंदर मांग उठ रही है कि जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है उसको बढ़ाकर 12 महीने का भाजपा सरकार करे, और जो 20 रुपये और जो 40 रुपये को छोटे बड़े गौवंश को 2 रुपये और 4 रुपये जो बढ़ाए गए हैं वो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है, तो वो कम से कम 50 रुपये हो और 100 रुपये हो, ताकि जो भी पेयजल की व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से वो हो सके और भी जो समस्या है उनका निवारण हो सके। तो इसी को लेकर आज हम पहुंचे हुए हैं श्री गणेश गौसेवा समिति तामडोली के अंदर, और विशेष तौर से जो कार्यकारिणी टीम है हमारे साथ, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और सब जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इनकी जो श्री गणेश गौसेवा समिति तामडोली के अंदर किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ पहले तो अध्यक्ष साहब जुड़े हुए हैं जो कालू राम जी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि किस गौशालों को संचालित करने में किस प्रकार की परेशानियाँ आ रही है। सर, पहले तो आपके हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका चैनल को बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आप गौशाला माने आपका बहुत धन्यवाद है साहब, थैंक यू। कालू राम जी, बात करते हैं अध्यक्ष पद पर, श्री गणेश गौशाला तामडोली के अध्यक्ष पद पर विराजमान हो गए हो, कब से अध्यक्ष बने और इस गौशाला की किस प्रकार स्थापना हुई? गौशाला में अध्यक्ष बने तो हमको 2-3 साल हो गए, और गौशाला बने हुए तो कम से कम 2008 का महीने गौशाला बने थे। तो हमारे साथ जो सचिव साहब हैं हरिराम जी पवार, विशेष तौर से वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि गौशालाओं को कब से वो निर्माण कर रहे हैं और बात करते हैं किस प्रकार की समस्याएं हैं। हरिराम जी, पहले तो हमारे न्यूज 21 चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको भी स्वागत है, थैंक यू। और यहाँ मैं 2008 से काम कर रहा हूँ जी, सेवा दे रहा हूँ तन और मन धन से जी, और यहाँ अच्छा काम करते हैं। यहाँ की समस्या पानी की विशेष रूप से समस्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ट्यूबवेल वगैरह खारा पानी नीचे अंदर तो उसमें होता नहीं है, और अनुदान के लिए 50 रुपये से 100 रुपये कर दिए जाए, क्योंकि ऊँट के मुँह में जीरे के तो समान ये है। अभी जो 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया था, क्या है इसमें हो? कुछ और 10 रुपये किलो के हिसाब से तो चारा आता है जी, तो चारा का 10 रुपये 1 किलो का मिलता है, तो क्या कितना आता चारा? अभी आपके कितने गौवंश है आपके पास और उनकी जो किस प्रकार व्यवस्थाएं हैं, जैसे चिकित्सा की? 263 और उनका सरकारी अनुदान कितना आ रहा है? 263 कितना आ रहा है सरकारी अनुदान, कितना आ रहा है सरकारी अनुदान? ये 263 का समझो साल का 20-22 हज़ार, 9 महीने का। राज्य सरकार के अध्यक्षों से एक और बड़ी मांग है, मुख्य जो मांग है वो एक और है कि ये जो 9 महीने का जो सरकारी अनुदान आता है, एक तो ये समय पर नहीं आता है और एक ये टुकड़ों में आता है, इसको लेकर किस प्रकार की है चिंता? समय पर आए तो थोड़ा अच्छा रहता, गायों के लिए जो भी व्यवस्था वो आराम से हो जाता, और 9 महीने के बजाय 12 महीने का अनुदान कर दिया तो बहुत और अच्छा रह जाएगा। पहले कांग्रेस सरकार के अंदर 9 महीने का हुआ, अभी भजनलाल की सरकार के अंदर 12 महीने का हो गए तो बहुत अच्छा रहेगा गौशाला के लिए। और चारा खरीदते टाइम तो अनुदान आता नहीं है, हाँ वही तो, फिर बाद में आता है तो फिर बाद में चारा महंगा हो जाता है, हाँ जी, तो इसलिए टाइम टू टाइम अनुदान चारा खरीदते समय, फसल कटाई उस समय समय आते थे, तो ये अपना फायदा होगा गौशाला के लिए। एक सर हरिराम जी बात करते हैं कि आजकल गौशालों की राजनीति बहुत ज़्यादा होने लगी है, कई जिलों के अंदर देखा जाता है कि गौशालों के नाम पर बिजनेस हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा परंपरा है, तो इनको लेकर किस प्रकार की चिंता व्यक्त करते हो आप? भ्रष्टाचार तो अपना यहाँ पे नहीं, और जगह हैं जैसे, उनको क्या कहना चाहोगे? भ्रष्टाचार तो करते हैं तो गलत है,
तो गौशाला के नाम पे राजनीति होना ये एक अभिशाप है, बहुत गलत है साहब। तो सर बात करते हैं आपके गौशाला श्री गणेश गौशाला समिति टामदोली के अंदर किस प्रकार व्यवस्था है, किस प्रकार मुद्दे मसले, या बात करें यहाँ अन्य स्रोतों की जैसे निजी आय वगैरह गोबर खाद है या दूध वगैरह छाछ, उसका कहाँ एडजस्टमेंट होता है? ये दूध वगैरह छाछ तो हमारे इधर गवर्नमेंट से ज़्यादा भेज से नहीं है, अगर हमारे यहाँ पे काम करने वाले के लिए बाहर गोबर वगैरह का गोबर तो खेतों में बाहर लेके जाते हैं, लोग डाल देते हैं। तो आजकल कई गौशालों के अंदर देखा जाता है कि गौशालों के अंदर हाईटेक टेक्नोलॉजी बरत रहे हैं लोग, जैसे गोबर है तो उसको गोबर प्लांट वो लगा के और उस वो बहुत बढ़िया एडजस्ट कर रहे हैं। वो तो बहुत जगह कर रहे हैं, मगर हमारे इधर व्यवस्था नहीं है, इधर पक्षियों सब व्यवस्था है, वे तो काम आते हैं, पैसे का थोड़ा तंगी है। जैविक के अंदर जैसे किसान वगैरह को जैसे गोबर को बढ़िया सड़ा गला कर तैयार करके जैविक तरीके से तैयार किया जाता है, उसके अंदर कई पदार्थ भी डाले जाते हैं, फिर उसको महंगा करके बेचा जाता है। और बात करते हैं जैसे अच्छी अच्छी गायें टेक्नोलॉजी की, उनको पौष्टिक आहार डाला जाता है, तो दूध छाछ दही वगैरह घी भी कई गौशालाएं हैं उत्पादन, यानी कि अर्निंग हो रही है गौशालाओं को। निजी है वो तो अच्छा रहेगा। तो मरम्मत निर्माण वगैरह किस प्रकार है गौशालाओं? मरम्मत निर्माण 2008 से चलता रहा है, धीरे धीरे गाँव वालों के सहयोग से और जनता का सहयोग से चलता रहता है, और अनुदान तो केवल चारा सारा आता है अनुदान के, और वो चारा का पूरा पौष्टिक वो भी नहीं होता, और यहाँ पानी की बहुत व्यवस्था कम, पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है, किल्लत है बहुत, इतना किल्लत है पानी का, तो सिमर 500 रुपये टंकर मंगाने के लिए 500 रुपये लगता है, वो भी खारा पानी, खारा पानी है ये जमीन के अंदर पानी, हमारे यहाँ ट्यूबवेल तो है मगर ट्यूबवेल में पानी नहीं है, खारा पानी है, और बाहर से टंकर मंगाना पड़ता है, उसको 500 रुपये लगता है जी। वो भी जैसे मान लो अभी 9 महीने का जो सरकारी अनुदान है उसको बढ़ाकर 12 महीने का कर दिया जाए, और जो 10% की वृद्धि की गई है इन्होंने जो मान लो गौशाला के सरकारी अनुदान में, तो ये कम से कम 50 रुपये 100 रुपये हो जाए तो काफ़ी जो मुसीबतें हैं वो सॉल्व होती दिखाई देगी। हाँ ये तो 50 रुपये हो गए तो बहुत अच्छा रहेगा, 50 रुपये कर दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सर चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ, चिकित्सा क्या चाहते हो आपकी, दवाई पानी है जो लिम्पी रोग आया था, दवाई पानी व्यवस्था होनी चाहिए सर जी, दवाई पानी डॉक्टर की थोड़ी व्यवस्था है बराबर, एलएस वगैरह की ना अलग से, तो कोई पशु चिकित्सालय या ऐसा मैनेजमेंट, कोई सरपंच एमएलए एमपी का सपोर्ट, सरपंच एमएलए का सपोर्ट तो रहता है वैसे, लेकिन चिकित्सालय के लिए यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, पट्टी वगैरह दवाइयाँ वगैरह तो यहाँ मिलती है, गौशाला के लिए अच्छी रहेगी। आप देख रहे थे जी गौशाला के लिए पट्टा के वास्ते, पट्टे के निर्माण के लिए, पट्टे के निर्माण के लिए हो गए तो सबसे बहुत, क्योंकि अगर पट्टा हो जाए तो एमएलए एमपी भी सपोर्ट करे आपका, सरकार भी करती है, ये गौशाला ये मुद्दा है आपका, हाँ ये मुद्दा है पट्टे के लिए, ये हो गए तो बहुत अच्छा है। आप देख रहे थे न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील की जी। दोस्तों लगातार राजस्थान की प्रत्येक नगौर की जो गौशालाओं के मुद्दे उठ रहे हैं, इनमें सबसे मेन मांग है जो कार्यकारिणी टीम की पट्टा निर्माण हो, ताकि एमएलए एमपी के फंड से हमारे को गौशालाओं को सहायता प्रदान दी जाए, सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो गौशालाओं में कुछ आए, मरम्मत के लिए निर्माण शेड निर्माण या अन्य अनेकों प्रकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचे। देखते रहिए न्यूज 21 को, मैं आपके साथ सुनील की चिक कैमरामैन पर्सन अजय के साथ, थैंक यू जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।